तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में। दोस्तों अभी मार्च जो है 31 मार्च खत्म हो गया है और अभी जो है दोस्तों अप्रैल आ चुका है। तो यहाँ पे अभी हम बात करेंगे कि जो हमारा L0 टाइप का जो डिवाइस है वो बंद होगा या नहीं होगा। जो भी दोस्तों आपके पास मंत्रा का मोर्फो का है वो डिवाइस जो दोस्तों 31 मार्च के बाद सभी बंद होने वाला था, उसका क्या होगा, तो उसी विषय पे हम दोस्तों बात करेंगे। और साथ ही साथ दोस्तों बात करेंगे कि काफी भाई लोग हैं जो एक कमेंट करते हैं कि वो APS नहीं चलाते हैं और जो है सो सिम कार्ड सेल करते हैं, आयुष्मान कार्ड जो है सो उसका KYC करते हैं, और काफ़ी लोग जो है सो आधार कार्ड के माध्यम से प्रिंट पोर्टल के माध्यम से कस्टमर का जो है सो आधार कार्ड निकालते हैं, और काफ़ी लोग जो है सो पैन कार्ड वगैरह बनाने के लिए भी KYC करते हैं, जो कि आधार कार्ड का जो बायोमेट्रिक KYC होता है। काफ़ी लोग जो है सो बैंक अकाउंट ओपनिंग करते हैं, तो उनके लिए क्या है, उनके लिए क्या ये डिवाइस जो है सो बंद होगा, यही दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं कि पेन ईयर बाय जो है ये सबसे ज्यादा मतलब इस विषय में लेके अलर्ट है कि वो अब ये L0 डिवाइस है वो बंद करेगा और L1 डिवाइस को मार्केट में लाएगा, जो कि दोस्तों काफी ज्यादा सेफ डिवाइस पेन ईयर बाय का मानना है। कि पेन ईयर बाय का मानना ये है कि L1 जो डिवाइस है वो काफी जो है सो L0 मुकाबले के सेफ है। तो यहाँ पे दोस्तों हम बात करते हैं कि यहाँ पे अभी तक तो कोई भी जो APS वाला कंपनी है, जैसे कि स्पाइस मनी हो गया, स्पाइस मनी में दोस्तों वो बताया है कि 30 जून को जो है सो APS जो है सो हमारा APS में L0 का डिवाइस जो है सो सपोर्ट नहीं करेगा, वहाँ पे आपको L1 डिवाइस अपग्रेड करना पड़ेगा। और पेन ईयर बाय है वो बता दिया है कि 31 मार्च के जो है सो बाद L0 टाइप के जो डिवाइस है वो बंद हो जाएंगे। और यहाँ पे दोस्तों और कई तरह के APS कंपनी है मार्केट में, जैसे एयरटेल पेमेंट्स बैंक है, फिनो पेमेंट्स बैंक है, DigiPay है, रोनेट पे है। तो दोस्तों इन लोगों ने अभी तक जो है सो कोई भी नोटिफिकेशन नहीं जारी किया है, और साथ ही साथ दोस्तों अभी तक UIDAI ने भी कोई भी दोस्तों नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है, जो कि दोस्तों आधार कार्ड जो है सो चलाता है, जो कि आधार कार्ड हमारा बनता है वही दोस्तों कंपनी है UIDAI। तो उन्होंने भी यहाँ पे कोई भी नोटिफिकेशन नहीं जारी किया है कि L0 जो है सो डिवाइस बंद हो जाएगा। अभी दोस्तों हम बात करते हैं सिम कार्ड बेचने का। तो सिम कार्ड बेचने में यहाँ पे जो भी हमारा जियो पोस्ट लाइट का ID है, जियो पोस्ट प्लस का ID है, और यहाँ पे एयरटेल मित्रा का ID है, उन्होंने भी दोस्तों कोई भी यहाँ पे नोटिफिकेशन नहीं दिया है कि अब जो सो आप सिम कार्ड सेलिंग करने के लिए L1 टाइप का डिवाइस यूज कीजिएगा। तो यहाँ पे नोटिफिकेशन देखा जाए तो सिर्फ पेन ईयर बाय दिया है, जो कि दोस्तों उसका डेट तो आज खत्म हो गया। लेकिन दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं स्पाइस मनी की, जो है 30 जून को डेट बताया है। और यहाँ पे आप बात करते हैं कि जो भी भाई लोग साइबर कैफे चलाते हैं, ग्राहक सेवा केंद्र चलाते हैं, या तो फिर जनसेवा केंद्र चलाते हैं, वो उनके लिए यह है कि वो आयुष्मान कार्ड का KYC कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, विधायक पेंशन का KYC कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, और साथ ही साथ दोस्तों ये भी है कि वो जो है सो फिंगर से लगा के और आधार कार्ड वगैरह डाउनलोड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं प्रिंट पोर्टल से। तो यहाँ पे मैं बात करता हूँ कि दोस्तों कि अभी L0 टाइप का जो भी डिवाइस है वो दोस्तों बंद नहीं होगा, बंद होगा दोस्तों, लेकिन अभी कुछ इसमें टाइम है। काफ़ी जो है सो यूट्यूबर लोग हैं जो यूट्यूब पे ऐसा वीडियो बना रहा है कि अभी जो है सो L0 डिवाइस बंद हो गया, लेकिन दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। L0 टाइप का जो डिवाइस है वो अभी भी दोस्तों वर्क कर रहा है, आज भी दोस्तों वर्क कर रहा है। तो यहाँ पे अभी हम बात करते हैं कि अभी जो है सो APS वाले भाई लोग हैं एक कमेंट करेंगे कि अगर ये डिवाइस बंद हो जाएगा तो हम लोग APS जो है सो चलाना बंद कर देंगे, लेकिन अगर आप सिर्फ APS चलाते हैं तो बंद कर सकते हैं, लेकिन अगर आप सभी काम जो है सो L डिवाइस से ही आपका होता है, जैसे कि दोस्तों मैं अपना खुद बात बताता हूँ, तो मैं जो है सो डिवाइस के माध्यम से सिम कार्ड सेलिंग करता हूँ, प्लस में फिनो पेमेंट्स बैंक का दोस्तों मैं पहले खाता खोलता था, लेकिन अभी दोस्तों मैं बंद कर दिया हूँ, और अभी जो है सो मैं एक्सिस बैंक का खाता खोलता हूँ, तो दोस्तों वो भी जो है सो हमारे डिवाइस से भी ही काम होता है। साथ ही साथ दोस्तों आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए भी हमारा फिंगरप्रिंट का डिवाइस का काम आता है, और यहाँ पे सिम कार्ड वगैरह सेलिंग करने के लिए भी जो है सो डिवाइस का काम आता है। तो यहाँ पे दोस्तों अभी जो है सो L0 टाइप का डिवाइस जो है सो अभी तो बंद नहीं होने वाला है, लेकिन दोस्तों ये लाइफ में जो है सो जरूर बंद होगा, और आपको दोस्तों L1 का डिवाइस लेना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अगर आप L1 डिवाइस नहीं लेंगे तो दोस्तों आपका सारा का सारा काम जो है सो रुक जाएगा। और मैंने भी अभी तक जो सो L1 का डिवाइस नहीं लिया हूँ, जल्दी दोस्तों मैं डिवाइस लेने वाला हूँ, अगर ये L1 का डिवाइस देख लेते हैं, जब तक दोस्तों ये बंद नहीं होता है तब तक हम जो सो L1 का डिवाइस नहीं लेंगे। तो दोस्तों यही छोटा सा अपडेट था कि आप लोग अगर ऐसा काम करते हैं तो आप जो सो अभी टेंशन मत लीजिए, आप लोग को अभी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है,
दोस्तों जब ये बंद हो जाएगा तो सभी जो सो पोर्टल, जितने भी पोर्टल है और सरकारी दोस्तों पोर्टल है, सभी में दोस्तों ये नोटिफिकेशन आएगा, ना कि दोस्तों कोई एक ऐप में या दो ऐप में। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, और APS भाई लोग जो सो कमेंट करते हैं कि अब जो सो हम APS का काम बंद कर देंगे। तो दोस्तों अगर आप डिवाइस के लिए सिर्फ जो सो APS चलाते हैं तो आप जो सो बंद भी कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों APS में यहाँ काफ़ी ज़्यादा देखा जाए तो लोचा हो गया है। यहाँ पे APS में हर ट्रांजेक्शन पे दोस्तों, यहाँ पे अगर आप जो सो फिंगर लगाते हैं वेरिफिकेशन के लिए, टू फैक्टर वेरिफिकेशन के लिए, तो वहाँ पे दोस्तों आपको 94 पैसा जो सो कटेगा आपका वॉलेट से, और जब भी ये पेमेंट फेल होता है तो दोस्तों आपका नुकसान भी होगा। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो को लाइक कर दिए होंगे। दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।